हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री रिवीजन वीडियो लेक्चर। आई एम मुकेश बनानी एस केमिस्ट्री टीचर फ्रॉम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एट योर होम। टुडे वी विल डिस्कस द पार्ट वन एंड पार्ट टू केमिस्ट्री। यूनिट इज 14 बायोमोलिक्यूल, यूनिट 8 द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, and unit 7 the p block elements. What are the deleted topic in this unit? Unit 14 biomolecule, oligosaccharide like sucrose, lactose, maltose, polysaccharide like starch, cellulose, glycogen, importance of carbohydrate, vitamins, classification and function, enzymes, hormones, elementary idea excluding structure. And in the d and f block element, chemical reactivity of lanthanoids, actinoids, electronic configuration, oxidation state, comparison with lanthanoid, preparation and properties of KMnO4 and K2Cr2O7. And in the p block element, preparation and properties of phosphine, sulfuric acid, industrial process of manufacture, oxide of nitrogen, structure only, phosphorus allotropic form, compound of phosphorus, preparation and properties of halides and oxo acid, elementary idea only. Now, point to remember in unit 14 biomolecule, the complex organic molecule which form the basis of life like carbohydrate, protein, nucleic acid are said to be the biomolecule. Now, carbohydrates, name se clear visible hai ki carbon and hydrate se milkar bana hoga. They have the general formula CX H2O Y, and they are hydrate of carbon. Example, glucose, starch. The molecular formula of glucose is C6H12O6, jisko hum laboratory mein dextrose bhi kehte hain. Preparation of glucose from sucrose, cane sugar. If sucrose is boiled with dilute HCl and H2SO4 in alcoholic solution, glucose and fructose are obtained in equal amount. ये दिख भी रहा है आपको रिएक्शन में, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज यहां ऑप्टेन हो रहा है। नाउ फ्रॉम स्टार्च, कमर्शियली ग्लूकोज इज ऑप्टेन बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च बाय बॉइलिंग इट। तो इट मींस यहां पे रिएक्शन क्लियर विजिबल, स्टार्च है और NH2 से रिएक्ट करवा रहे हैं और यहां पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर, इट फॉर्म द ग्लूकोनिक एसिड। ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, हमने C6H12O6 को हमने लाइक इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करवा रहे हैं। तो इट मींस जो एल्डिहाइड है वो किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में, जिसको हम क्या कहेंगे, ग्लूकोनिक एसिड। व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड, इट गेट ऑक्सीडाइज टू द सैकेरिक एसिड। क्लियर दिख रहा है आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, HNO3 से हमने रिएक्ट करवाया। तो इट मींस जो CHO था वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हुआ ही सही, साथ में जो CH2OH है वो भी अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाए, यानी दोनों तरफ आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है, तो ये फॉर्मूला क्या कहलाएगा, सैकेरिक एसिड। दिस इज द ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज और हम यहाँ पे इसको साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इट मीन्स जो फिफ्थ वाला जो OH है उसको मैं कहाँ पे ले जाऊंगा, फर्स्ट कार्बन पे। तो फर्स्ट कार्बन पे हम जैसे मूव करेंगे तो इट मीन्स जो ये ऑक्सीजन है यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड O, वो फर्स्ट और फिफ्थ से क्या बना लेगा, बॉन्ड बना देगा। और OH को मैं कहां पे लेके आऊं, फर्स्ट कार्बन पे। अगर OH राइट हैंड साइड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा आइसोमर, और अगर OH लेफ्ट हैंड साइड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बीटा आइसोमर। बेसिकली ये जो ग्लूकोज होता है उसका फुल नेम क्या है, डी प्लस ग्लूकोज कहेंगे। अब इसी को हम इसमें हावर्थ स्ट्रक्चर में बदलना चाहें तो जो भी चीज राइट हैंड साइड में है उसको हम कहां पे रखेंगे, बॉटम में। ये सिमिलर स्ट्रक्चर किसके रहेगा, पायरेन के, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन की साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसमें एक ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तो इट मींस हमने यहां पे जो राइट हैंड साइड में है उसको हम कहां रख देंगे, बॉटम में। जैसे OH राइट हैंड साइड में है तो हमने OH को कहां रख दिया, राइट बॉटम में रख दिया। ये OH सेकेंड बॉटम में, H राइट हैंड साइड बॉटम में। तो इस तरह से हम अरेंज करेंगे और CH2OH कहां आ जाएगा, टॉप पे रहेगा। तो ये हावर्थ स्ट्रक्चर है, अल्फा डी प्लस ग्लूको पायरेनोस हम इसको कहेंगे, तो इसका जो स्ट्रक्चर है किसके सिमिलर है, पायरेन के। तो अल्फा डी प्लस ग्लूको पायरेनोस कहलाएगा। सिमिलर बीटा डी प्लस ग्लूकोज का हम हावर्थ स्ट्रक्चर बनाए तो जो राइट हैंड साइड रहेगा वो बॉटम में चला जाएगा। लाइक वन पे जो हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में है तो वन पे हाइड्रोजन कहां चला जाएगा, बॉटम में चला जाएगा।
और CH2OH को हमको टॉप पे रखना है, तो ये बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोस कहलाएगा। ओके, तो इट मीन हम यहाँ ग्लूकोज के ओपन स्ट्रक्चर की बात करें तो सेकेंड पे OH राइट हैंड साइड पे, फोर्थ पे भी OH राइट हैंड साइड, फिफ्थ पे भी OH राइट हैंड साइड, लेकिन थर्ड पोजीशन पे जो थर्ड कार्बन पे जो OH है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे। अब फ्रक्टोज की हम बात करें, फ्रक्टोज का ये ओपन स्ट्रक्चर आपको क्लियर दिख रहा है, इट मीन फ्रक्टोज में क्या रहेगा, कीटोन रहेगा, कीटोन जो रहेगा मिड में आता है, यानी सेकंड नंबर कार्बन पे हम क्या लगा देंगे, कार्बोनिल ग्रुप लगा देंगे, बाकी सिमिलर है ग्लूकोज के। जो थर्ड नंबर पे OH जो लेफ्ट हैंड साइड में रिप्रेजेंट किया था उसी तरह हम फ्रक्टोज में भी लेफ्ट हैंड साइड रिप्रेजेंट कर देंगे। अब जो इसका फुल नेम होगा डी माइनस फ्रक्टोज कहलाएगा। अब डी माइनस फ्रक्टोज को हम किस में बदल रहे हैं, इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर में, सिमिलर जो फिफ्थ नंबर का जो OH है उसको मैं फर्स्ट पे ना ले जाके सेकंड पे ले जाऊंगा, तो सेकंड पोजीशन पे जो ऑक्सीजन है वो सेकंड और फिफ्थ से अपनी वैलेंसी को क्या करेगा, फुलफिल करेगा। अब वही कंसेप्ट OH को अगर मैं राइट हैंड साइड रखता हूं तो क्या कहलाएगा, अल्फा कहलाएगा, लाइक दिस हमने इसको राइट हैंड साइड रखा, तो जो CH2OH है वो कहां जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, बाकी और हमने कहीं पे भी चेंजेस नहीं किए हैं। सिमिलर अगर OH लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा तो क्या कहलाएगा, बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरिनस। हमने इसको फ्रक्टोफ्यूरिनस क्यों बोला है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो रहेगा फ्यूरेन के सिमिलर है, यानी फोर कार्बन की साइक्लिक चेन है जिसमें एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जबकि ग्लूकोज में हमने फाइव कार्बन की साइक्लिक चेन थी उसमें एक ऑक्सीजन था। ठीक है, अब इसको हम हावर्थ स्ट्रक्चर में बदलेंगे, तो हावर्थ में वही कंसेप्ट, जो राइट हैंड साइड पे ग्रुप प्रेजेंट है उसको बॉटम पर रखना है, यानी अल्फा डी का हम यहाँ पे हावर्थ स्ट्रक्चर बना रहे हैं। OH सेकेंड पोजिशन पे जो है वो कहाँ पर है, डाउनवर्ड राइट हैंड साइड पे, तो हमने सेकेंड वाले को क्या कर दिया, डाउनवर्ड कर दिया, बॉटम में कर दिया। CH2OH हमको कहाँ पे रखना है, ऊपर ही रखना है। सिमिलर बीटा की हम बात करें, जो राइट हैंड साइड स्पीसीज प्रेजेंट है उसको हम कहाँ पे रख देंगे, बॉटम पे। तो इस तरह से हम इसका हावर्थ स्ट्रक्चर बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोटीन। ऑल प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, नेम से विजिबल है, यानी ऐसा सब्सटेंस जिसमें एमिनो ग्रुप भी प्रेजेंट हो और कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रेजेंट हो, एमिनो एसिड, और अल्फा एमिनो एसिड का क्या रहेगा, पॉलीमर रहेगा। ओनली अल्फा एमिनो एसिड आर ऑब्टेन बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन। चीफ सोर्स ऑफ प्रोटीन आर मिल्क, चीज, पल्सेस, पीनट, फिश, मीट एसेट्रा। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहां पे एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। ह्यूमन बॉडी कैन बी सिंथेसाइज 10 एमिनो एसिड कॉल्ड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। ऐसे एमिनो एसिड जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं उनको हम बोलेंगे नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, और जिनको हमको बाहर से लेने की रिक्वायरमेंट होती है, यानी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होंगे, वो क्या कहलाएंगे, एसेंशियल एमिनो एसिड कहलाएंगे। तो आपको एसेंशियल एमिनो एसिड के नेम आपको लर्न करने, ये 10 होंगे और 10 ही आपके क्या रहेंगे, नॉन एसेंशियल। टोटल एमिनो एसिड कितने होंगे, 20। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की हम बात करें, प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड एंड दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। बॉन्ड का नेम आपको याद करना है, यहाँ पेप्टाइड लिंकेज भी कहेंगे। वी नो वेरी वेल एमिनो ग्रुप भी प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट, यानी एमिनो एसिड है, वन एमिनो एसिड, दिस इज सेकंड एमिनो एसिड। यहां से क्या निकल जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, CONH यानी अमाइड ग्रुप आपको दिख रहा है, यानी अमाइड ग्रुप का फॉर्मेशन हो गया, पेप्टाइड लिंकेज बन गया। When the number of such amino acid is more than 10, then the product are called the polypeptide. Protein can be classified into two types on the basis of their molecular shape. Number A, fibrous protein. When the polypeptide chain run parallel and held together by hydrogen and disulfide bond, then fiber-like structure is formed. तो यहाँ पे आपको याद रखना है, fibrous में कौन-कौन से bond का formation होगा, hydrogen और disulfide. ये 1 marks में question बनता है board में. सच प्रोटीन आर जनरली इनसोल्यूबल इन वाटर। सम कॉमन एग्जाम्पल आर केराटिन जो प्रेजेंट रहेगा इन हेयर, वुल, सिल्क, एंड मायोसिन प्रेजेंट इन मसल्स। ग्लोबुलर प्रोटीन, दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट व्हेन द चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉइल अराउंड टू गिव अ स्फेरिकल शेप। शेप इसका कैसा रहेगा, स्फेरिकल रहेगा। दीज आर यूजुअली सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में सोल्यूबल है। इंसुलिन, एल्बुमिन आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी लर्न करना है, जो इंसुलिन है और एल्बुमिन है वो ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं। स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन कैन बी स्टडीड एट 4 डिफरेंट लेवल, लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी। प्राइमरी को हम 1 degree बोलेंगे, सेकेंडरी को 2 degree, टर्शरी 3 degree, क्वार्टनरी 4 degree। नाउ प्राइमरी स्ट्रक्चर, इट सिंपली रिवेल द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स, में क्या रहेगा, सीक्वेंस रहेगा एमिनो एसिड का। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इट refer to the shape in which a long polypeptide chain can exist. They are found to exist in 2 different type,
लाइक अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। तो यहां पे अल्फा हेलिक और बीटा प्लीटेड में डिफरेंस आता है तो आपको लर्न होना चाहिए। इन अल्फा हेलिक अ पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड बाय ट्विस्टिंग इनटू द राइट हैंडेड स्क्रू। हेलिक्स विद द एनएच ग्रुप ऑफ ईच एमिनो एसिड रेजिड्यू हाइड्रोजन बॉन्ड टू द सीओ ऑफ एडजेसेंट टर्न ऑफ अ हेलिक्स। तो आपको यहां पे बॉन्ड लर्न करना है किसमें, अल्फा हेलिक्स में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड। बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर, नेम से क्लियर विजिबल है कि शीट लाइक स्ट्रक्चर होगा। ऑल पॉलीपेप्टाइड ऑल पेप्टाइड चेन आर स्ट्रेच आउट टू नियरली मैक्सिमम एक्सटेंशन एंड देन लीड साइड बाय साइड विच आर हेल्ड टूगेदर बाय इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। टर्शरी स्ट्रक्चर की बात करें, द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। इट गिव्स राइज टू मेजर मॉलिकुलर शेप लाइक फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। द मेन फोर्सेज विच स्टेबलाइज द 2 डिग्री एंड 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपको याद रखना है 2 डिग्री स्ट्रक्चर और 3 डिग्री स्ट्रक्चर जो इसका स्टेबिलिटी के लिए कौन सा बॉन्ड रेस्पॉन्सिबल है, हाइड्रोजन बॉन्ड। डाइसल्फाइड लिंकेज, वांडरवाल, इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सम ऑफ द प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ 2 or more पॉलीपेप्टाइड चेन रेफर टू एज अ सब यूनिट। द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ दिस सब यूनिट विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर इज नोन एज अ क्वार्टनरी स्ट्रक्चर, जिसको आप बुक में इसमें डायग्राम भी गिवन है, उस फिगर से आप इसको और जल्दी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, द प्रोसेस दैट चेंज द 3-dimensional स्ट्रक्चर ऑफ नेटिव प्रोटीन इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ड्यूरिंग द डीनेचुरेशन सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर आर डिस्ट्रॉयड बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन द इंटैक्ट। द कोगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डीनेचुरेशन। यानी एग को जब हम क्या करते हैं, बॉइल करते हैं, तो इट मीन्स वो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लिक एसिड। द पार्टिकल इन न्यूक्लियस ऑफ सेल रेस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी आर कॉल्ड क्रोमोसोम विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड अनादर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। दीज आर मेनली ऑफ 2 टाइप, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको हम DNA कहते हैं एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको हम RNA कहते हैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ DNA और RNA yield sugar, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग हिट्रियोसाइक्लिक कंपाउंड कॉल्ड बेसिस। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जब DNA का हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे RNA का तो क्या ऑप्टेन होगा, एक तो शुगर ऑप्टेन होगी और फॉस्फोरिक एसिड और एक बेस ऑप्टेन होगा। इन अ DNA मॉलिक्यूल द शुगर मॉइटी इज अ बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस। तो आपको याद रखना है DNA में कौन सी शुगर प्रेजेंट है, वेयर एज इन RNA मॉलिक्यूल इट इज अ बीटा डी राइबोस। स्ट्रक्चर भी आपको गिवन है। DNA contain 4 bases लाइक adenine, guanin, cytosine, thymine. RNA also contain 4 bases. द फर्स्ट 3 bases आर सेम एज इन DNA बट द फोर्थ वन इज यूरासिल। यानी RNA में thymine की जगह आपको क्या मिलेगा, यूरासिल मिलेगा। तो आपको यहां पे इसके बेसिस भी लर्न करने हैं, DNA में कौन सा बेसिस है 4 और RNA में कौन से बेसिस हैं। नाउ शुगर प्लस बेस तो क्या ऑप्टेन होगा, न्यूक्लियोसाइड। और अगर शुगर प्लस बेस में हमने फॉस्फोरिक एसिड भी ऐड कर दिया तो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होगा। तो बोर्ड में आता है डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, तो वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद होना चाहिए क्या डिफरेंस है। न्यूक्लियोटाइड आर ज्वाइन टुगेदर बाय द फॉस्फोडाइजेस्टर लिंकेज। ये बॉन्ड का लिंकेज भी आपको लर्न करना है, बॉन्ड आपसे पूछे जाएंगे। यानी न्यूक्लियोटाइड में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे फॉस्फोडाइजेस्टर लिंकेज। और यहाँ पे एक इक्वेशन से भी यहां पे रिप्रेजेंट किया हुआ शुगर बेस फॉस्फेट, शुगर बेस फॉस्फेट। सिंस न्यूक्लिक एसिड आर लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड, एंड न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का, दे आर ऑल्सो कॉल्ड द पॉली न्यूक्लियोटाइड। टाइप्स ऑफ RNA की बात करें, RNA मॉलिक्यूल आर ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 मैसेंजर RNA, इट इज प्रोड्यूस इन द न्यूक्लियस एंड कैरीज इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ट्रांसफर RNA, tRNA भी कहते हैं, इट इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। फंक्शन इज टू कलेक्ट एमिनो एसिड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म फ्रॉम प्रोटीन एंड सिंथेसिस। एंड नंबर 3
राइबोसोमल आरएनए, जिसको हम आरआरएनए भी कहते हैं।